हैदराबाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में शहर सरकार ने पेश किया अपना बजट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम का बजट महापौर मालती राय ने पेश किया। शहर के बजट में टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर महापौर ने अपना फैसला वापस लेते हुए नागरिकों को राहत दी। इस बजट में प्रॉपर्टी, पानी और मनोरंजन पर टैक्स न बढ़ाने का फैसला लिया गया। भोपाल शहर सरकार का 3,353 करोड़ रुपए का बजट विपक्ष के शोर शराबे के बीच मंगलवार को पेश कर दिया गया। महापौर मालती राय ने इस बजट में जनता का ख्याल रखते हुए टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होने की जानकारी दी। इसके साथ ही सरकार के इस बजट में आय और व्यय बराबर रहने का अनुमान है। नगर निगम भोपाल के वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय 3,353 करोड़ 16,000 रुपए रहेगी। शहर सरकार के बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष सविस्ता जग्गी ने महापौर को घेरा, कहा कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, पिछले वर्ष के बजट की राशि भी यही थी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तारीफ की। भोपाल की जनता को दूसरे बजट में हमने सौगात दी है कि किसी प्रकार का जनता पर कर कोई कर नहीं लगाया गया है। भोपाल की नगर निगम की जो स्थिति को देखते हुए जो आय के संसाधन है उन्हीं संसाधनों पर हमने बजट बनाया है। और हम चाहे कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे हम गार्डन के माध्यम से हो, चाहे हम ऑडिटोरियम हो, कवट मीट मार्केट हो, हम निश्चित ही उन्हीं संसाधन में शासन का सहयोग लेके और हम भोपाल की जनता को सौगात देंगे। और हमने इस बजट में नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं में पास होने पर, मेरिट में आने पर उनको पुरस्कार राशि की सौगात दी है। आपको अभी बताया है कि नगर निगम की जो आय है उस आय को ध्यान में रखते हुए पार्षदों को पार्षद निधि दी है। बाकी जो जो अनियमितताएं रह गई हैं उनको देख लिया जाएगा, उनको अल्टीमेटम दिया है कि हम प्रयास करें कि 3 महीने के अंदर वो काम पूरा हो जाए। वो मास्टर प्लान की भी बातचीत चल रही है, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री ने अल्टीमेटम अधिकारियों को दिया है और बहुत जल्दी मास्टर प्लान आ जाएगा, टाइम दिया है, वो भी चल रहा है। वो तो बहुत पुराना हो गया है मामला, अब जब उद्घाटन करेंगे जब आपको बुलाएंगे। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।